बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ग्रेड टू। टुडे वी आर गोना डूइंग योर लेक्चर नंबर 3 एंड योर लास्ट लेक्चर। एंड वी हैव टू डू इन दिस लेक्चर पेज नंबर 125, पेज नंबर 130 एंड पेज नंबर 131। बहुत इजी पेजेस हैं तीनों। सबसे पहले आप पेज नंबर 125 निकालें। ये बहुत मज़े की एक्टिविटी है पेज नंबर 125 पे जो है ना। देखिए सर, आपको पेज नंबर 125 पे डिफरेंट टाइप्स की शेप्स दी हुई हैं, बहुत मज़े मज़े की। फर्स्ट शेप है, सेकंड में पेंसिल है, थर्ड में ब्रश है, फोर्थ में कैंडल है, फिफ्थ में पेंट ब्रश है, थर्ड वाले में ना वो टूथब्रश था, देन एफ वाले में है पिन है, और जी वाले में मैच बॉक्स ही वो तीली है, और एच वाले में कील है, और आई वाले में चाबी है, की है। ठीक है, तो ये डिफरेंट चीज़ें जो सारी दी हुई हैं, ये सारी ऐसी चीज़ें जो कि लंबाई की तरफ बनी हुई हैं। तो आ जाएं फिर देखते हैं कि क्या करना है इसमें। ऐसा करते हैं कि इसको मेजर करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपने स्केल यहाँ पर नहीं रखना, स्केल मिड पर रखना है। जहाँ से ये शेप स्टार्ट हो रही है वहाँ पे ज़ीरो, और यहाँ पे जिस पॉइंट पे ये शेप ख़त्म हो रही है उस पॉइंट पे नोट डाउन करें कि ये शेप का क्या मेजरमेंट आ रही है। जल्दी से अपना स्केल निकालें और इस शेप को मेजर करेंगे, और मेजर करके मुझे बताएं कि इसकी मेजरमेंट क्या आ रही है। जल्दी से मेजर करें इसको स्केल से। जहाँ से शेप शुरू हो रही है वहाँ से आपने ज़ीरो पे रखना है, जहाँ पे एंड हो रही है वहाँ तक मेजर करना है। तो इसकी शेप की ऑलरेडी इससे लिखी हुई है कि मेजरमेंट कितनी है इसकी, 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, पेंसिल को भी ऐसे ही मेजर करें, ज़ीरो पे रखें, और देन यहाँ पे जहाँ पे इसका ये है ना, ये एंड पॉइंट, यहाँ पे नोट करें क्या आ रहा है, 7 सेंटीमीटर, तो 7 लिख दे। सबने अपनी बुक्स पे जो शेप्स बनी हुई है वहाँ पे स्केल रख के मेजर करना है कि क्या शेप की मेजरमेंट आ रही है। नेक्स्ट है टूथब्रश, रखा लास्ट तक, इसकी मेजरमेंट आ रही है 9 सेंटीमीटर। अपनी बुक से मेजर करें तो 9 सेंटीमीटर लिख दें। देन है कैंडल, ये आ रही है, कैंडल की मेजरमेंट आपके पास आएगी 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर लिख दें। पेंट ब्रश 13 सेंटीमीटर की मेजरमेंट आएगी आपके पास। उसके बाद है आपके पास पिन, पिन की मेजरमेंट आपके पास क्या आएगी, करें मेजर देखें, 5 सेंटीमीटर। अगेन आप लोगों ने मेजर करना है इसको मैच बॉक्स को, मैच बॉक्स की मैच को, वो है 4 सेंटीमीटर। कील को मेजर करें, ये भी पिन के जितना ही है, तो ये 5 सेंटीमीटर। चाबी जो है वो आपकी मैच बॉक्स की मैच की जितनी है, तो वो भी 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, तो ये मेजरमेंट्स आपने खुद से आपकी कॉपी पे, बुक्स पे जो पिक्स बनी हुई है ना, उन पिक्स पे स्केल रख के मेजर करके आपने बताना है कि क्या मेजरमेंट आ रही है। और जो आगे बॉक्स बने हुए ना आपकी बुक पे, उन बॉक्सेस में आपने सबकी मेजरमेंट्स लिखनी है। ठीक है, ये एक्टिविटी आप लोगों ने लाजमी करनी है, बुक पे ही सॉल्व करना है इसे। पेज नंबर 130। नाउ ऐड टू सॉल्व दीज, या आपने इनको जो भी इनमें बात की गई है उनको ऐड करना है और ऐड करके सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर ए सॉल्व हुआ है, वहाँ पे बी वाला देखें। द रेड फैब्रिक इज 65 मीटर लॉन्ग, द येलो वन इज 28 मीटर लॉन्ग। एक रेड कलर का कपड़ा है वो 65 मीटर लॉन्ग है, और एक येलो कलर का कपड़ा है वो 28 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, हाउ लॉन्गर इज द रेड एंड येलो। रेड है 65 मीटर लॉन्गर, येलो है 28 मीटर लॉन्गर, दोनों कितने लॉन्ग हैं, ऐड कर ले 8 प्लस 5 13,
वन कैरी, सिक्स प्लस टू एट एंड वन सेवन, तो दोनों कितने हैं लॉन्गर, 73 मीटर। ठीक है, सी वाला और डी वाला आपने खुद से करना है, उनको भी जो उनमें दो वैल्यूज दी हुई होंगी ना, उन दोनों वैल्यूज को ऐसे लिख के प्लस करना है और आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, बेबी क्रोकोडाइल वॉज 32 सेंटीमीटर लॉन्ग, के एक मगरमच्छ का बेबी था, क्रोकोडाइल का छोटा बेबी है, वो कितने सेंटीमीटर का है, 72 सेंटीमीटर लंबाई में होता है ना क्रोकोडाइल, तो 72 मीटर लॉन्ग है उसका बेबी। आफ्टर 6 मंथ्स, 6 महीने के बाद, इट हैड ग्रोन 34 सेंटीमीटर, कि 6 महीने के बाद, जैसे आप लोग भी बड़े होते हैं ना, पहले छोटे होते हैं, 6 महीने के बाद थोड़े बड़े हो जाते हैं, 1 साल के बाद थोड़े और बड़े हो जाते हैं, तो क्रोकोडाइल का बेबी 6 महीने के बाद 34 सेंटीमीटर लंबा हो गया। वो कह रहा है हाउ लॉन्ग इज इट नाउ, पहले वो 72 सेंटीमीटर का था, फिर वो 34 सेंटीमीटर और ग्रोन हो गया, तो प्लस कर दें, 4 और 2 6, 7 और 3 10, तो अब वो कितने सेंटीमीटर लॉन्ग है क्रोकोडाइल का बेबी, 106 सेंटीमीटर। ठीक है, पेज नंबर 130 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 4, सब्ट्रैक्ट प्लीज। सब्ट्रैक्ट तो आप सबको करना आता है ना, अच्छा ये जो m लिखा हुआ है ना, मैंने आपको क्लास में भी बताया था, ये मेजरमेंट्स हैं, ठीक है, एक यूनिट है, तो आपने m को ऐसे ही लिखना है। माइनस करते हैं हम, 4 में से 8 माइनस हो सकते हैं, नो, 1 कैरी लेंगे यहाँ से, यहाँ 2 बच जाएगा, यहाँ पे 1 कैरी लेके 14 बन गया, 14 में से 8 माइनस किए 6, 2 में से 1 माइनस किए 1, तो ये आपके पास क्या रह गया, 16 मीटर, 50 एंड 29, 0 में से 9 माइनस नहीं हो सकते, 1 कैरी लेंगे, यहाँ रह गया 4, 10 में से 9 माइनस किए 1, 4 में से 2 माइनस किए तो 2, ऊपर रह गया 21 मीटर। ठीक है, F वाला देखें, C वाला मैंने नहीं करवाया, वो आपने होमवर्क करना है, और E वाला भी आपका होमवर्क है। ठीक है, नेक्स्ट देखें F वाला, 2 में से 6 माइनस हो सकते हैं, नो, 1 कैरी, यहाँ रह जाएगा 6, 12 में से 6 माइनस किए 6, 6 में से 6 माइनस किए तो 0, तो ओनली 6 सेंटीमीटर यहाँ पर रह जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएं, ए वाला क्वेश्चन सॉल्व हुआ हुआ है, बी वाला देखें, नाउ सब्ट्रैक्ट टू सॉल्व दीज। अब स्टेटमेंट्स दी गई हैं, स्टेटमेंट्स में भी जो आपको दो नंबर्स दिए हैं आपने उनको सब्ट्रैक्ट करना है। देखें जरा, जमील रन्स 100 मीटर वाइल दानिश रन 72 मीटर, जमील कितना भागा है 100 मीटर और दानिश कितना भागा है 72 मीटर, हाउ मच फर्दर डज जमील रन देन दानिश, आपने बताना है कि जमील दानिश से कितना ज़्यादा भागा है, तो माइनस कर देते, 100 मीटर जमील भागा है और 72 मीटर दानिश भागा है, सही है ना, माइनस करेंगे, 0 में से 2 माइनस नहीं हो सकते, यहाँ से कैरी भी नहीं ले सकते, यहाँ से पहले यहाँ पे कैरी लेंगे, फिर यहाँ से 1 कैरी यहाँ लेंगे, 10 में से 2 माइनस किए तो 8, 9 में से 2 माइनस किए तो सॉरी 7 माइनस किए तो 2, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 28 मीटर। सी और डी आपने खुद से करना है, ई वाला मैं करवा देती हूँ, रोमाना सेट्स आउट टू रन 200 मीटर, रोमाना ने कितना सेट टाइम किया रन भागने के लिए 200 मीटर, शी हैज़ कम्प्लीटेड 162, रोमाना ने सोचा ये है कि मैंने 200 मीटर्स भागना है, लेकिन वो कितना कंप्लीट कर सकी है 162, हाउ मच फर्दर मस्ट शी रन, तो उसको और कितना भागना चाहिए, 200 में से माइनस कर देंगे 162, 0 में से 2 माइनस नहीं हो सकते, यहाँ से कैरी नहीं आ सकता, यहाँ से कैरी लेंगे यहाँ, यहाँ से कैरी लेंगे यहाँ, 10 में से 2 माइनस किए 8, 9 में से 6 माइनस किए 3, 1 में से 1 माइनस किए तो 0,
एंड दैट्स योर आंसर। ठीक है क्लास टू, होप सो आपको समझ आ गई होगी। जिसको समझ नहीं आई उसने वीडियो रिप्ले करके देख लेती है, ठीक है। और आप लोगों ने अपना होमवर्क लाजमी करना है। अगर साथ साथ काम नहीं करेंगे मैथ्स का काम पेंडिंग छोड़ेंगे तो आपको बाद में समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो जिस टाइम जो काम दिया जाता है उस टाइम वो काम साथ साथ उतारा करें, और जो मैं होमवर्क देती हूँ ना वो उसी दिन कर लिया करें, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा घरों में रहें, घर वालों से भी कहें कि वो बाहर जाने से गुरेज करें। जज़ाकअल्लाह खैरन कसीरन, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।